हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट टेक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम बेसिक फार्मूलाज को स्प्रेडशीट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आज फुल ट्यूटोरियल दूंगा बेसिक फार्मूलाज के बारे में, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं WPS ऑफिस में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैंने ऑलरेडी इस पे डाटा बनाया हुआ है जिसमें मैं बेसिक सी चीज़ें बताऊँगा, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो समझना होगा। फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है इक्वल टू। जैसे ही हम इक्वल टू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाता है जिससे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर सम लिखेंगे तो ये देखिए सम का फार्मूला यानी कि एडिशन यानी जोड़ने का फार्मूला लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, ऐसे फार्मूला अप्लाई शुरू होता है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे कहाँ तक हमने फार्मूला लगाना है और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और सिंपली एंटर कर देंगे, तो ये हमारा प्लस हो गया। अगर आप चाहें तो इसका एक और मेथड है, इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ऑटो सम कर देना है तो ये फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पर और भी बहुत सारे फार्मूलाज ऑलरेडी दिए हुए हैं तो आप और भी फार्मूलाज देख सकते हो। यहाँ पर आपने बेसिक हिसाब से चेक कर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह आप अपना एडिशनल का फार्मूला लगा सकते हो। और उसके अलावा एक और तरीका है एडिशन का, तो उसके लिए इक्वल टू इसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे सेल को सिलेक्ट कर लिया, फिर प्लस का निशान डाल दिया, प्लस 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 प्लस। सो इस तरीके से भी आप एडिशन कर सकते हो, पर ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है तो इसलिए मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ माइनस करना है तो माइनस का निशान लगाएंगे और इसके साथ क्लिक करके माइनस कर देंगे, तो ये देखिए आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का भी सिंपल सा फॉर तरीका है, मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आ गया। इसी तरह डिवीजन का, और ये डिवाइड हो गया। और इसी तरह अगर इसमें परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए हमें सिंपली इक्वल टू दबाकर जो टोटल अमाउंट है, जैसे इन सबको अगर हम बाय 100 करना चाहते हैं तो जैसे इसका सब टोटल है ये, तो मैं इसको करूं लेकर डिवाइड बाय कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 500 हम मार्क्स लगा लेते हैं। जैसे कि 100 में से इतने मार्क्स आए हैं तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 500 मार्क्स। तो इसको सिंपली जैसे हम ओके दबाएंगे तो ये देखिए 0.52 आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये देखिए अब ये परसेंटेज में हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप अपना परसेंटेज का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एवरेज निकालनी है तो हमें सिंपली सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट, और सिलेक्ट से भी बेहतर है एक सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए, तो इसकी एवरेज है 52। और इसी तरह मैक्सिमम का जो फॉर्मूला है मैक्स, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता लग जाएगी जो कि है 75। इसी तरह मिनिमम का अगर हमें मिनिमम वैल्यू इसमें से निकालनी है तो सिंपली इसको एंटर दबाना देना और ये देखिए मिनिमम वैल्यू निकल आई। तो इस तरह आप बेसिक फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं कुछ और भी चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर मैं फॉर्मूले की बजाय सिंपली क्या करता हूँ, लिख देता हूँ 200/2। तो इस तरह से भी आप फार्मूला चेक कर सकते हो कि मतलब डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो।
बट इसका यही नेगेटिव एडवांटेज है कि आप पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से अगर आप सेल की वैल्यू चेंज करते हो तो वो रिज़ल्ट भी वैसा नहीं आता। मान लीजिए इसको हमने इसके साथ डिवाइड किया था तो 100 आ रहा था, ठीक है। अगर अब मैं क्या करूं, यहाँ पर 2000 लिख दूं तो ये ऑटोमेटिक उसको कैलकुलेट कर लेगा, यानी कि हमारी वैल्यू अगर कोई गलती हुई है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं और ये अपने आप ऑटोमेटिक फार्मूला कैलकुलेट भी कर लेगा। बट अगर हम क्या करते हैं इजिकल टू इसको इसके साथ डिवाइड करके और यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं तो फिर ये, एक मिनट मैं दोबारा करता हूँ, अगर हम 200 को 2 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर उसका रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। तो इसलिए यही मैं कहना चाहता हूँ कि फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आप उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें और सेल प्रॉपर सिलेक्ट करके करें, ताकि अगर आप बीच में डाटा एडिट भी करते हैं और चेंजेस भी करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये थे आज का हमारे बेसिक सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप बेसिक फार्मूला कैसे अपने स्प्रेडशीट में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।